अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ एंट्री एग्जिट और वैक्सीनेशन के हवाले से अभी कुछ अपडेट आ रही है निकल के, और भी जो है फ्री PCR के हवाले से कौन कौन से लोगों को मिलने वाला है फ्री PCR और कौन से लोग एंट्री वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ चैनल पर हमारे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के यार ये टीकाकरण के हवाले से। अगर आपने अभी तक टीका नहीं लिया, अपने बच्चों को नहीं दिलाया है, जैसे कि आपको मालूम है स्कूल वगैरह जल्दी ही ओपन हो जाएंगे, तो आप बिना टीकाकरण के जो है अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है कुवैत के अंदर। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अजनबी हैं, एक्सपर्ट हैं, जो भी हैं, आप कुवैती नागरिक हैं, जो भी हैं, तो आपको अब वैक्सीनेशन कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है एक हफ्ते के अंदर आपको एक PCR जो है कराना होगा, जिसमें आपको रिपोर्ट देनी होगी। और अब अगली अपडेट जो आ रही है निकल के, वो आ रही है फ्री PCR के हवाले से, कौन कौन से लोगों को फ्री PCR दिया जाएगा कुवैत के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ आपके लिए हो जाता है। उन लोगों को PCR फ्री दिया जाएगा जो लोग कुवैत के अंदर स्कूल वगैरह में जो बच्चे जाएंगे, उन लोगों को फ्री PCR दिया जाएगा, दूसरे लोगों को नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा जो एक न्यूज़ अपडेट की थी हमने 2-3 दिन पहले, जिसके अंदर 10 KD या फिर आपका फ्री PCR या फिर आपका जो 20 KD लिया जा रहा है उसमें कमी की जाएगी, तो काफ़ी सारे लोगों ने हमसे कहा था कि 10 KD किया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखिए अभी उसके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं आया, लेकिन जैसा कुछ अपडेट आता है बीच में या कभी भी, तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। फिलहाल में यही है। अब यहाँ पे एंट्री के हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं, एक ही सवाल है उनका, डायरेक्ट फ्लाइट अब कब चालू होगी, कोई अपडेट आया नहीं आया, 10 तारीख का बोल रहे थे, लेकिन अभी जो है काफ़ी ज़्यादा तारीख हो चुकी है, तो इसका कोई अपडेट है या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल भी अभी फ़िलहाल में कोई इस तरीके का नहीं अपडेट है। अगर इन फ्यूचर कोई भी आता है या कुछ भी इस तरीके का अपडेट लगता है मुझे कि आने वाला है ऑफिशियली कोई ट्विटर हैंडल से या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर कहीं पर भी अपडेट किया जाता है गवर्नमेंट की, तो मैं आपको साथ में ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं इस तरीके का कुछ भी नहीं, ना वीज़ा को लेकर ना ही फ्लाइट को लेकर, लेकिन इनडायरेक्ट आप जा सकते हैं, किसी भी कंट्री में आप 14 दिन रहें उसके बाद में कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, चाहे आप कुवैत में हो या फिर आप कुवैत से बाहर हो, सऊदी अरब में हो या फिर इंडिया में हो, खास करके अभी सऊदी अरब में ये कायदा कानून जो है लागू कर दिया गया है, अगर किसी भी तरीके से आपके वीडियो में कोई भी ऐसी जो एक्टिविटी की गई हो जिसमें काफ़ी ज़्यादा उस कंट्री को नुकसान होने वाला है या फिर उसकी जो कुछ पर्सनल चीज़ें सिक्योरिटी वगैरह जो भी है वो आप वायरल कर रहे हैं, तो इस तरीके से या पैसा वगैरह जो है उसकी करेंसी दिखा रहे हैं आप पर, इतना पैसा जो है वो साबित हो जाता है, तो आप पर जो है काफ़ी बड़ा जुर्माना लग सकता है। तो ये चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान काफ़ी ज़्यादा रखना है। इस तरीके की सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके से उल्टी सीधी वीडियो बना के नहीं डालना है, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं और हो सकता है आपको काफ़ी बड़ा जुर्माना भी देना पड़ जाए और आपको जेल वगैरह भी हो जाए, क्योंकि ये कायदा कानून मैंने सुबह अपडेट दिया था जिसमें कि बताया था कि सऊदी अरब के अंदर ये लागू हो चुका, 5 लाख रियाल जुर्माना और 2 साल की जो है जेल आपको हो सकती है। वो मैंने अरब हिंदी न्यूज़ चैनल पर जो है वो अपडेट किया हुआ है, उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें और जान सकें अभी क्या अपडेट है क्या नहीं। अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है सैलरी के हवाले से। जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो भी लोग कहीं पर भी किसी भी चीज़ को लेकर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी जो है जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो अभी उनकी सैलरी को लेकर अपडेट आ रहा है। फिलहाल में कोई भी फाइनली अपडेट नहीं दिया गया है कि उनको सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ भी इस तरीके का अपडेट आता है, कोई भी आप कहीं पर भी काम करते हैं, तो हम आप तक ज़रूर अपडेट कर देंगे। फिलहाल में इस तरीके से अभी ये बातें जो चल रही हैं सारी पेंडिंग में हैं और इनका कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर हमारे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, और जैसे ही एंट्री के हवाले से गुड न्यूज़ मिलता है तुरंत मैं आप तक शेयर करूँगा। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।